एरिका ऑलब्राइट धोखेबाज है क्या? इसलिए क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसका नाम ऑलब्राइट रखा था, या इसलिए कि बोस्टन यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां ऐसी होती हैं? एक और बात, शायद दिखने में वो 34C लगे, लेकिन वो सब तरह की चीजों का इस्तेमाल करती है। वो असल में 34B है और सब सिर्फ दिखावा है। एक और बड़ा झूठ। सच्चाई ये है कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है। मुझे उस पर से अपना मन हटाने के लिए कुछ करना होगा। ये आसान होगा, लेकिन मुझे एक आइडिया चाहिए। मुझे थोड़ी चढ़ गई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या हुआ अगर आज ट्यूसडे है और अभी 10 भी नहीं बचे हैं? ए बिली, कर्कलैंड फेसबुक मेरे डेस्कटॉप पर खुला है और कुछ लोगों के फोटोज तो एकदम डरावने और भद्दे हैं। ओह नो। बिली ऑल्सन जो अभी यहाँ बैठा है, उसने आइडिया दिया कि मुझे इनके पिक्चर्स लेकर जानवरों के साथ कंपेयर करने चाहिए और लोग वोट करेंगे। अच्छा आइडिया है मिस्टर ऑल्सन। हाँ, मैं यही करूंगा। मैं जानवरों की पिक्चर्स नहीं लूंगा, लेकिन दो लोगों को कंपेयर करने का आइडिया बहुत अच्छा है। ये आइडिया मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हम सीधे कंपेयर करने वाले हैं, ना कि रेटिंग्स देने वाले हैं जैसे hotornot.com पर देते हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत से पिक्चर्स की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हार्वर्ड में पब्लिक सेंट्रलाइज्ड फेसबुक नहीं है, इसलिए मुझे ये पिक्चर्स सबके हॉस्टल की डायरेक्टरी से निकालने होंगे। दोस्त जल्दी करो, चलो हैकिंग शुरू करें। सबसे पहले कर्कलैंड, वो लोग सब कुछ ओपन रखते हैं और सारे इंडेक्सेस HTTP कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। बस थोड़ा डुप्लिकेट मैजिक का कमाल और कर्कलैंड की पूरी डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगी। बच्चों का खेल है। नेक्स्ट है एलियट हाउस। ये लोग भी सब कुछ ओपन रखते हैं, लेकिन इनके इंडेक्सेस HTTP में नहीं होते। मैं बिना कुछ लिखे सर्च करूंगा तो सभी पिक्चर्स एक साथ आ जाएंगी। मैं इस पेज को सेव करूंगा तो मोज़िला मेरे लिए सभी इमेजेस सेव कर देगा। क्या कहते हो? एक्सलेंट, सही जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम सब सबसे पुराने और सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में खड़े हो, ना सिर्फ फॉरवर्ड में बल्कि इस पूरी दुनिया में। और मैं तुम सभी का फीनिक्स क्लब के इस फॉल सेमेस्टर की पहली पार्टी में स्वागत करता हूँ। लोवेल में थोड़ी सिक्योरिटी है, वहाँ यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि वो मेन FAS डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो मेरी चोरी पकड़ नहीं पाएंगे। एडम्स में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हर पेज पर सर्च लिमिट सिर्फ 20 तक सीमित है। यहाँ मुझे वही करना होगा जो मैंने लोवेल पर किया और काम बन जाएगा। क्विंसी का कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है। क्या घटिया सिस्टम है, तो कुछ नहीं कर सकते। डंस्टर उससे भी बढ़कर है। ऑनलाइन डायरेक्टरी तो क्या, उनके पास तो डायरेक्टरी ही नहीं है। सर्च करते समय अगर सर्च रिजल्ट 20 से ज्यादा रहा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, और अगर कभी रिजल्ट मिला भी तो डायरेक्ट फोटोज पर जाने का लिंक नहीं है। वो PHP पर ले जाते हैं जो रीडायरेक्ट करता है। बड़ी अजीब बात है, ये थोड़ा मुश्किल है। ए, शार्क वीक चल रहा है। क्या? लगे रहो दोस्त, खूबसूरत शार्क है। थैंक्स, मैं बिजी हूं। लेवरेट फिर भी बेहतर है। यहां सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ लिखे सर्च करने से लिंक्स मिलते हैं, जहां हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाकर पिक्चर्स मिल सकते हैं। दिक्कत ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोफाइल देख सकते हैं और मेरे पास 500 पेजेस देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये लो पकड़ो। Hey, क्या हो रहा है? Perfect timing. Eduardo आया है और अब खेल का असली मजा। लेफ्ट वाली अन्य ठीक है। राइट इस बार भी राइट। ये काम करता है। सबसे पहले किसे भेजे? नियॉल। किसे भेज रहे हो? बस एक दो लोगों को। सवाल ये है कि वो किसे भेजेंगे।
डायलॉग माल देखो लेफ्ट वाली चुनो लेफ्ट वाली हाँ हाँ एक सेकंड इन पटाखों को देखो राइट और लेफ्ट लेफ्ट वाली हॉट है भाई ये हाँ ये वाली बोलो कौन सी वाली ये तो मेरी रूममेट है ओह माय गॉड लेफ्ट वाली को देखो ये सब क्या है राइट लेफ्ट वाली ये वाली ओह गॉड उसने तुम्हारे बारे में लिखा है तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए ये देखो उल्लाला एवेका क्या ये तुम्हारा है मुझे ये पढ़ा मिला चल निकल यहाँ से यार बहुत सारे लोग साइट पर हैं इससे पहले कि हम मुसीबत में फंसे हमें इसे बंद कर देना चाहिए ना हेलो एक मिनट सुबह के 4 बजे सर कर्कलैंड के लैंड में बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक बने हैं तुम कह रहे हो ये सुबह के 4 बजे हो रहा है हाँ सर और हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो सकता है ठीक है मुझे जाना होगा क्या हो रहा है हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश होने वाला है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल चलो जल्दी चेक कर लेते हैं नहीं हो रहा है नेटवर्क डाउन है अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो ये हमारी वजह से हुआ है ये कोइंसिडेंस नहीं है ओह